उतारा जाता है, पूरा श्रृंगार किया जाता है और फिर रथ में विराजमान किया जाता है। उदय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, अद्भुत तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप बताइए, क्योंकि अमित शाह भी मौजूद हैं, सुबह की मंगला आरती में वो शामिल हुए, उनका कार्यक्रम कैसा होगा और अभी किस तरह की तैयारियां हैं? जरूर से बताया जाए तो ये 400 साल से मंदिर पुराना है और अभी की बात की जाए तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। आप देख सकते हो अभी के भक्त जो है अभी यहाँ सभी लोग अंदर जा रहे हैं और ये दरवाजा आप देखिए बंद किया जा रहा है क्योंकि भगवान की मूर्ति जो है वो भी रथ में रख दी है। और पहली मूर्ति की बात की जाए तो भगवान रणछोड़ जी की है, दूसरी मूर्ति जो है वो बहन सुभद्रा की है और तीसरी मूर्ति जो है वो भाई बलराम की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी भारी मात्रा में अभी भक्त जो है वो रथ यात्रा में जुड़ चुके हैं। ये रथ यात्रा है वो नगरचर्या यहाँ पे उसको कहा जाता है और ये 21 किलोमीटर तक ये चलती है और 21 किलोमीटर में जितना भी रूट सामने आता है वो हर एक रूट पे इतने ही लोग देखने को मिलती है। 142वीं ये रथ यात्रा है, आप देख सकते हैं कि उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जो बात करूं मैं आपको तो स्पेशल फोर्स जो है वो यहाँ पे लगाई गई और 25,000 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर और अधिकारी जो है वो इसमें जुटते हैं बंदोबस्त के लिए। ये आप देख सकते हैं कि चेतक कमांडो अभी यहाँ पे तैनात है, इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स जो है वो भी यहाँ पे अभी तैनात है और अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर एके सिंह भी अभी यहीं पे उपस्थित है और ये पूरी रथ यात्रा में उसका सुपरविजन रहता है। ये पैरामिलिट्री फोर्स है यहाँ पे और साथ में टेक्नोलॉजी की जो बात की जाए तो ड्रोन सहित सीसीटीवी कैमरा से पूरा रथ यात्रा का सर्वेलेंस अहमदाबाद शहर पुलिस जो है वो काफी सालों से करती आई है। तीनों रथ की जिम्मेवारी की जो बात की जाए तो तीनों रथ की जिम्मेवारी जो है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को दी जाती है और हर एक रथ की जिम्मेवारी पे एक डीसीपी कक्षा के ऑफिसर को तैनात किया जाता है और इसी प्रकार से 25,000 पुलिस बंदोबस्त के साथ ये रथ यात्रा है वो 21 किलोमीटर जो है यहाँ से पूरी करती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीपन भद्रन जो है वो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हर एक को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस प्रकार से ये रथ यात्रा है उसको सुरक्षा पूरी देनी है और कोई भी हालात अगर होते हैं तो उसके सामने लड़ने के लिए अहमदाबाद शहर पुलिस अभी सज्ज है। तो पुलिस जी ये अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी और 21 किलोमीटर तक ये रथ यात्रा रहेगी जी। और किस तरह के इंतजामात तो पूरे उस रूट पर होंगे उदय, उसके बारे में भी जरा समझाइए क्योंकि लोग भी वहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कैसे पूरा रूट तय किया गया है, कितनी देर में ये रथ यात्रा संपन्न होगी और इसको लेकर जो जानकारी हो। चलिए, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये सुभद्रा की मूर्ति है क्योंकि पूरा श्रृंगार किया गया है और इस सलोनी मुखाकृति को ही देखने के लिए जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ती है। आप देखिए, सबसे पहले भगवान कृष्ण, फिर बलराम, फिर सुभद्रा, ऐसे पूरी पालकियां सजती हैं और बहुत महत्व है इन सभी का क्योंकि जो तैयारी होती है इस यात्रा को लेकर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें लगभग ये, हालांकि बसंत पंचमी से शुरू होती है हर साल ये यात्रा और इस यात्रा को लेकर कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और ये जो पालकी बनती हैं इनका अपना ही महत्व है। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। सबकी चाहत होती है कि वो इन तीनों जो भगवान के रूप है उनके दर्शन करें और ये कहा जाता है कि बसंत पंचमी से जब ये यात्रा शुरू होती है जो इस पालकी पर हाथ भी लगा ले, जो इस पालकी पर कंधा दे दे तो कहते हैं वो तो बहुत भाग्यशाली होता है, लेकिन जो हाथ लगाकर और सिर्फ स्मरण कर ले भगवान का उसे मुक्ति मिल जाती है। ये पुरी की तस्वीरें आप देखिए, कैसे अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है सुबह सुबह। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें पुरी की आपको हम दिखा रहे हैं और जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में भी लगातार हम आपको बता ही रहे हैं, कैसे इन पालकियों को बनाया जाता है, कैसे इनकी तैयारियों में विशेष चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, खास लकड़ी चुनी जाती है और क्योंकि इस लकड़ी की बहुत महत्वता होती है, जो सबसे मजबूत वृक्ष होता है जिसको कहा जाता है, जिसकी सेहत बहुत अच्छी है, जिस पेड़ की सेहत बहुत अच्छी होती है उस पेड़ की लकड़ी से इन पालकियों को बनाया जाता है और किसी के प्रकार के किसी धातु का इस्तेमाल नहीं होता इन पालकियों को बनाने के लिए। और
उस पेड़ का चयन बड़ी मुश्किल से होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। हालांकि जो कमेटी है वही उस पेड़ का चयन करती है, जो पुजारी होते हैं उसमें, जो इतने सालों से ये तय करते आ रहे हैं कि कौन से पेड़ की लकड़ी इस पालकी को बनाने में लगेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और नीम के पेड़ की लकड़ी से रथ तैयार होता है, तो नीम के मजबूत पेड़ को ढूंढा जाता है पहले, जो कहा जाता है कि जो स्वस्थ हो, जो भगवान का जो वजन है वो सह सके और भगवान को पूरे शहर का भ्रमण करवा सके, इसीलिए उस लकड़ी को स्वस्थ कहा जाता है। और खास बात ये होती है कि इसे बनाने में किसी भी तरह की कोई धातु का इस्तेमाल नहीं होता, जो पालकी तैयार की जाती है। और उसी पालकी में ये तीनों रूप भगवान के विराजमान होते हैं, श्री कृष्ण है, बलराम है और बहन सुभद्रा है। और तीनों भाई बहन राजा रूपी इस पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। ये पूरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं और अद्भुत तस्वीरें हैं। और हमने आपको दिखाया, ये तो पूरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार तस्वीर हम दिखाते हैं आपको अहमदाबाद की, एक बार फिर से जगन्नाथ मंदिर में, जहां अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ सुबह 4 बजे मंगला आरती में वो शामिल हुए। ढेरों भक्त मंदिर में मौजूद थे और हर कोई सिर्फ एक भक्त के तौर पर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने आरती की और कैसे अपने दिन की शुरुआत की। और ये जो अब पालकी है पूरी देर में रवाना हो जाएगी, क्योंकि अब बस भगवान को सवार करने की प्रक्रिया वहां पर शुरू होने वाली है। राजनीति और आस्था का शुभ संयोग, मंगला आरती में बीजेपी के शाह। भगवान जगन्नाथ पर अमित शाह की आस्था किसी से छिपी नहीं है। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा से पहले होने वाली मंगला आरती में अमित शाह जरूर शामिल होते हैं। अहमदाबाद में आस्था के इस महासंगम में अमित शाह इस बार भी सपत्नीक शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। देश का गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह पहली बार गुजरात के दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन कल अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने के बाद अमित शाह वापस दिल्ली लौट जाएंगे।